नमस्कार, देख रहे हैं आप सभी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर पूरे देश भर में उत्साह का माहौल है। बता दें आपको कि समारोह में किन किन हस्तियों को निमंत्रण मिला और कौन कौन इसमें जा रहे हैं, इसकी चर्चा भी जोरों पर है। इसी बीच चारों शंकराचार्यों ने इस राम मंदिर के भव्य समारोह से दूरी बना ली है और प्राण प्रतिष्ठा में न जाने का ऐलान कर दिया है। तो अब इसी बीच कांग्रेस राजद के बाद अब जो एंट्री हुई है, इस बहस में जो एंट्री हुई है वो वीआईपी सुप्रीम वो मुकेश सहनी की एंट्री हुई है। बताते चले आपको कि मुकेश सहनी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है और यह कहा है कि राम मंदिर के कर्ता धर्ता को सोचना चाहिए कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में चारों शंकराचार्य क्यों नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं पहले भी आस्था के साथ रहा हूं और आगे भी रहूंगा। शुक्रवार को जारी बयान में मुकेश सहनी ने कहा कि आज कांग्रेस की सोनिया गांधी और राहुल गांधी के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में नहीं जाने की चर्चा हो रही है, लेकिन यह बहस क्यों नहीं हो रही कि उस कार्यक्रम में शंकराचार्य क्यों नहीं जा रहे हैं। मुकेश सहनी ने बीजेपी को टारगेट करते हुए कहा कि खुद अपने गिरबान में देखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि घर में गृह प्रवेश भी निर्माण कार्य पूरा होने के बाद किया जाता है, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी राम मंदिर निर्माण कार्य पूरा भी नहीं हुआ है और प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। मुकेश सहनी ने नाम लिए बगैर भाजपा पर राजनीति करने का आरोप लगाया। कहा कि अब यह समझने की चीज है कि वो प्रभु को लाना चाहते हैं या राजनीति करना चाहते हैं। बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने पहले ही 22 जनवरी के समारोह से दूर रहने का ऐलान कर दिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी या अन्य कोई पार्टी नेता प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। उनका आरोप है कि यह समारोह बीजेपी और आरएसएस का इवेंट है जिसे वोट की राजनीति के तहत आयोजित किया गया है। सवाल उठता है कि मुकेश सहनी ने प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने की बहस में क्यों एंट्री ली। शंकराचार्य के बहाने कांग्रेस के स्टैंड का समर्थन और बीजेपी को टारगेट करने का मकसद क्या है। तो दरअसल खुद को सन ऑफ मल्लाह बताकर मुकेश सहनी निषाद समाज का नेता बनाने में एक हद तक सफल है। फिल्मों के लिए सेट तैयार करने से निकलकर उन्होंने अपने आप को बिहार की राजनीति में स्थापित कर लिया है। एनडीए की सरकार में वो मंत्री भी बने, दूसरी ओर महागठबंधन में रह चुके हैं, लेकिन बदलते दौर में वो आज दोनों में से किसी के साथ नहीं है। 2024 लोकसभा के बाद 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव सामने है। मुकेश सहनी किनारा लेना चाहते हैं, कई बार वो लालू यादव को अपना हीरो भी बता चुके हैं। अब राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा की आड़ में कांग्रेस से करीबी बनाने की जुगत भिड़ा रहे हैं। दरअसल प्राण प्रतिष्ठा के समय और प्रक्रिया पर चारों शंकराचार्यों ने सवाल उठाया। पूरे पीठ के शंकराचार्य स्वामी निष्ठानंद सरस्वती ने कहा कि हम वहां ताली बजाने जाएं, वहीं द्वारका पीठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि अधूरे मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा धर्म सम्मत नहीं है, मंदिर पूरी तरह बना नहीं तो प्राण प्रतिष्ठा करने की क्या जल्दबाजी थी। शारदा पीठ और श्रीगिरी मठ के शंकराचार्यों ने समारोह में जाने से मना कर दिया है। बता दें आपको कि चारों शंकराचार्यों ने ऐलान कर दिया है कि वो इस समारोह में शामिल नहीं होंगे, रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल नहीं होंगे। इसको लेकर उन चारों शंकराचार्यों ने ऐलान कर दिया है। तो अब इसमें वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया सामने आ गई और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि लोग कांग्रेस को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इस भव्य रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य नहीं जा रहे, इस पर कोई चर्चा क्यों नहीं कर रहा है। तो यह कहते हुए नजर आए वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं तो बताया मैंने आपको इस रिपोर्ट में। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। तमाम जानकारी के लिए बने रहे सिटी पोस्ट लाइव के साथ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।